Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with the chapter number 3, Amina is lost. इस chapter में हम एक girl के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अमीना. वो अपनी mother के साथ market जाती है और वो खो जाती है. अब हम ये पढ़ते हैं इस chapter में कि वो कैसे खोती है और फिर बाद में क्या होता है. So let's start the chapter. Let's warm up. Have you heard of any famous market of our country? Write one famous market of the following cities. यहाँ पे कुछ cities दी हैं. आपको बताना है उन cities का कोई famous market. जैसे हर शहर में बहुत सारे ऐसे market होते हैं जो सबको पता होते हैं. तो ऐसे ही हमें यहाँ पर कुछ ऐसे ही market लिखने हैं. तो आपको सिर्फ एक नाम लिखना है. आप कोई भी एक नाम लिख सकते हैं. जैसे first है Delhi. तो दिल्ली के फेमस मार्केट क्या है? जैसे एक तो सबसे फेमस आप लिख सकते हैं चांदनी चौक. चांदनी चौक हो गया, करोल बाग हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह है. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चांदनी चौक. नाउ सेकेंड मुंबई. अब मुंबई में भी ऐसे बहुत सारे मार्केट्स हैं जो बहुत फेमस हैं. जैसे एक तो है फैशन स्ट्रीट, जहां पर आप किसी भी तरीके का फैशन का आइटम ले सकते हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो पर्स वगैरह हो, चाहे वो कपड़े हो. और एक जवेरी बाजार भी है वहां पे जो गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फैशन स्ट्रीट. आप कोई और भी लिख सकते हैं. अब बाकी के दो आप खुद सर्च करिए और खुद लिखिए. Now start the chapter. Amina was a cute girl of class 2. She was very fond of visiting markets. Last Sunday, it was her off. Amina and her mother went to the market. Amina एक छोटी सी class 2 की प्यारी सी बच्ची है और उसको बाजार जाना बहुत पसंद है. I'm sure आपको भी होगा. तो वो बहुत ज्यादा पसंद करती है कि वो मार्केट जाए. अभी लास्ट संडे की बात है, उसकी छुट्टी थी तो उस दिन वो और उसकी मदर मार्केट के लिए गए. द मार्केट वॉज फुल ऑफ रश, शॉप, स्टॉल्स, वेंडर्स. अमीना एंजॉयड इट अलॉट. अब मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी क्योंकि वो संडे था और मतलब बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारे वेंडर्स थे, स्टॉल्स थे, सब कुछ था. और अमीना को वो सब बहुत अच्छा लगा. व्हेन दे वर इन द मार्केट, हर मदर मेट वन ऑफ हर ओल्ड फ्रेंड. They stopped to talk. अब जब वो मार्केट में थे तो अमीना की मदर को एक उनकी पुरानी फ्रेंड मिल गई और वो उसकी मदर और उनकी फ्रेंड दोनों आपस में बातें करने में बिजी हो गए. In the meanwhile, Amina let go of her mother's hand. और इसी बीच क्या हुआ, अमीना ने अपनी मदर का हाथ छोड़ दिया. She looked up at the tall stall, shop stalls, all were fascinating. अमीना टू लेट हर गो अहेड टू दीज प्लेसेस. अब तभी उसने देखा कि वहां पर एक टॉय शॉप थी. अब जैसे आप लोग भी कहीं पे टॉय शॉप देखते होंगे तो मन करता होगा जाकर मैं देखने लगूं. तो यही अमीना के साथ हुआ. उसने वहां पर एक टॉय शॉप देखी, मतलब उसने वहां पर बहुत सारी टॉय शॉप देखी और वो उनको देखकर उसने अपनी मदर का हाथ छोड़ा और वो आगे चलने लगी. वन बाय वन अमीना डिड विंडो शॉपिंग. और वो एक एक करके विंडो शॉपिंग कर रही थी. विंडो शॉपिंग होता है कि जब हम सामान देखते रहते हैं और कुछ लेते नहीं है, कभी इधर देखेंगे फिर नेक्स्ट शॉप फिर नेक्स्ट. देन शी सॉ टू लिटिल पपीज, दे वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट. फिर उसने तो छोटे छोटे पपीज देखे जो वहां सड़क पर ही खेल रहे थे. शी लुक्ड एट देम एंड द पपीज बार्क. दे वेंट डाउन द स्ट्रीट एंड अमीना वेंट आफ्टर देम. वो उन्हें कंटिन्यूअसली देख रही थी तो पपीज ने भौंकना शुरू किया और वो स्ट्रीट पर आगे आगे चलने लगे और अमीना उनके पीछे पीछे. दे वेंट बिहाइंड अ कार, अमीना चेस्ड देम टू सी वेयर दे वर. वो किसी कार के पीछे जाकर छुप गए जो पपीज थे और अमीना भी कोशिश कर रही थी उन्हें ढूंढने की, पर वो अमीना को नहीं मिले. वो ये सोचने लगी कि वो कहां चले गए. देन अमीना लुक्ड अराउंड. She thought, where was her mother? She could not see her. She started crying. अब क्या हुआ? अब अमीना को याद आया, उसने इधर उधर देखा, जब उसे पपीज नहीं मिले तब उसने इधर उधर देखा कि मेरी मदर कहाँ है, वो कहाँ गई.
और उसने रोना शुरू कर दिया। मदर वेयर आर यू मदर, अब वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मम्मी तुम कहाँ हो मम्मी। मोहसिन अ बॉय सॉ हर क्राइंग, आर यू लॉस्ट डोंट क्राई ही सेड। तभी वहां पर एक बॉय आया जिसका नाम था मोहसिन, उसने उससे पूछा क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम खो गई हो, तुम रो मत। We will find your mother. Wait here. I will look for her. फिर उसने बोला कि हम तुम्हारी मदर को ढूंढ लेंगे, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। He went towards the shops. Amina's mother was also crying. I can't find my daughter. तभी वो लड़का जो था वो शॉप्स की तरफ गया और उसने देखा कि जो अमीना की मदर थी वो भी रो रही थी, वो भी चिल्ला रही थी कि मुझे मेरी बेटी नहीं मिल रही। Your daughter is there. Mohsin said, come with me. तो मोहसिन उनके पास जाकर बोलता है कि आपकी बेटी वहां पर है, अब आओ मेरे साथ चलो। मदर एंड मोहसिन वेंट टुगेदर, हियर इज योर डॉटर। फिर वो दोनों साथ में आते हैं और मोहसिन कहता है कि ये रही आपकी बेटी। अमीनास मदर वॉज वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच यंग बॉय, द मदर सेड, इट्स माई प्लेजर आंटी, द बॉय रिप्लाइड। अब अमीना की मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस लड़के को थैंक यू बोलती है और वो भी बोलता है कि ये तो मेरा फर्स्ट था। शी हैड अमीनास हैंड, डोंट लेट गो ऑफ माय हैंड एवर अगेन अमीना, द मदर सेड टू अमीना। वो फिर से अमीना का हाथ पकड़ लेती है और अमीना को बोलती है कि तुम कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना। जैसे अमीना ने अपनी मदर का हाथ छोड़ा ऐसे ही हम भी कर देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। नाउ इट्स टाइम टू असेस योरसेल्फ। अ फर्स्ट एक्सरसाइज इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में आपको करेक्ट आंसर्स को मार्क करना है। फर्स्ट इज अमीना वेंट टू द मार्केट ऑन, अमीना मार्केट कब गई थी, संडे को, तो सी। सेकेंड, ड्यू टू संडे द मार्केट वॉज फुल ऑफ, संडे की वजह से मार्केट में क्या था, बहुत ज्यादा रश था, भीड़ थी, ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, अमीना शुड हैव नॉट बी इन द डैश ऑन संडे, अमीना को संडे में कहां नहीं होना चाहिए था, मार्केट में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज अमीना वॉज वेरी डैश विजिटिंग मार्केट, अमीना क्या थी, मार्केट जाने की बहुत फॉन्ड ऑफ थी, मतलब बहुत ज्यादा उसे पसंद था। फर्स्ट इज फॉन्ड ऑफ, सेकेंड द मार्केट वॉज फुल ऑफ, मार्केट कैसा था पूरा, फुल ऑफ रश, भीड़ से भरा हुआ, सेकेंड इज रश। नाउ थर्ड, अमीना सॉ टू लिटिल, अमीना ने दो छोटे छोटे क्या देखे थे, पपीज, थर्ड है पपीज। फोर्थ, अमीना स्टार्टेड, अमीना ने क्या करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, क्राइम, फोर्थ इज क्राइम। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट इज अमीना वॉज अ फैट एंड अगली गर्ल, नो शी वॉज अ क्यूट गर्ल, तो दिस इज फॉल्स। Second, Amina enjoyed the shops, stalls and vendors in the market. Amina sab shops aur stalls ko dekh ke bahut khush ho rahi thi. Yes, this is true. Third, Amina looked up at the pet shop. Amina ne pet shop dekhi thi wahan pe? Nahi, kya dekha tha Amina ne? Toy shop, jo hame bhi pasand hoti hai. So this is false. Fourth, the two little puppies were playing in the garden. जो वो पपीज थे वो गार्डन में खेल रहे थे, नो गार्डन तो वहां था ही नहीं, वो कहाँ खेल रहे थे, स्ट्रीट पर, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ नाइस डे।